तो गाइज गुड आफ्टरनून, आज मैं खाना पकाने आ गई। लंच से ही वीडियो सुबह से ही शुरू किया हूँ, लंच दिखा रही हूँ। तो देखिए, यह मसूर दाल का बड़ा का सब्जी बनाऊंगी मैं, और उस तरफ करेला का भुजिया चढ़ा दिया। दोनों गैस आज बिजी है, बहुत देर हो गया था लंच पकाने में, करीब 12-1 बज गया था मेरे को। तो देखिए, पकौड़ियों को सब भूज के रख दूँगी, उस तरफ करेला भूज रहा है। और इसी तेल में मैं झींगे पोस्तो बनाऊंगी। झींगा को देखिए छोंक दिया, और दूसरा कढ़ाई में देखिए मैं कोई पकौड़ी का झोल बनाऊंगी। तो उसको तेल दे दिया, उसके बाद जीरा दे दूंगी, जीरा तेजपत्ता ये सब दे के, हींग दे के हम इसको तड़का लगाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे। तो देखिए प्याज दे दिया, प्याज दे के अच्छी तरह से भूज लेंगे इसको। थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर किया, पहले भी मैंने ये बनाया था, तो आज फिर दिखाया आप सबको। अच्छा लगता है डेली दाल खाना, अच्छा नहीं लगता है तो मसूर का दाल को भिजा के पकौड़ी बनाइए, सब्जी बनाइए, बहुत टेस्टी होता है। आप लोग ज़रूर घर में एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए टमाटर दे दिया, दे के अच्छी तरह से मैं इसको भूंज लूँगी। थोड़ा थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी और थोड़ा सब्जी मसाला दूंगी इसमें। आज थोड़ा देर हो गया था तो मैं जल्दी जल्दी खाना पका रही थी एकदम। और उस तरफ देखिए झींगा को उस तरफ पका रही हूँ मैं, तोरी, बंगाली में झींगा बोलते हैं इसलिए मैं दोनों भाषा में ही बोल देती हूँ। उसका झींगा बोलते हैं और हिंदी में तोरई। तो आलू दे के और खसखस दे के बनाते हैं, जिसको हम पोस्तो बोलते हैं। और इस तरफ देखिए आलू को मैंने बॉयल करके रख दिया था ताकि जल्दी बन जाए। कुकर में 2 सीटी लगा ली थी, उसके बाद मसाले के साथ आलू को एक करके ग्रेवी दे देंगे। और इसमें थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम पकौड़ी देंगे ना वो पूरा खींच लेता है, पूरा सूख जाता है। तो देखिए फाइनली मेरा बन चुका है पोस्तो, बड़ा का सब्जी, करेला भुजिया और भात, आज यही बना हम लोगों का। और देखिए किचन कितना फैल गया था और कितना बर्तन हो गया था, ये सब साफ कर लिया मैंने। और सीधा शाम को मिल रही, देखिए शाम को यहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा है हम लोग का, इधर देख लीजिए। तो थोड़ा सा आप लोग का शाम का सीन भी शेयर किया, कैसे लगा जरूर बोलिएगा। गुड इवनिंग गाइस, तो सीधा आपको शाम को मिल रही हूँ लंच उंच पका के। लंच खाने के बाद सीधा रेस्ट कर रही थी, आप लोग का कुछ वीडियो देख रही थी, उसके बाद सीधा शाम को आप सबसे मिल रही हूँ। अभी शाम का संध्या दिया है, उसके बाद बैठी हूँ। और आज शाम को थोड़ा दिखाया, बारिश हो रहा है हम लोग का यहाँ बहुत ज़ोर से, और बारिश हो रहा था और बहुत ठंडा ठंडा अभी थोड़ा फील आ रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी पंखा की ज़रूरत होता है कभी पंखा का ज़रूरत नहीं होता है, ऐसे हो रहा है। तो आप सब कैसे हैं जरूर बोलिएगा कमेंट में, और कमेंट में क्या बोले, वीडियो देखते ही नहीं आप सब। मैं जब तक ये बात बोलूँगी तब तक कोई देखेगा तभी तो बोलेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, तो कोई तो देखता नहीं है वीडियो, और कमेंट क्या करेंगे। जो कुछ फ्रेंड है देखते हैं, कुछ फ्रेंड बिल्कुल ही नहीं देखते वीडियो, तो चलिए कोई बात नहीं, उनका काम है देखे ना देखे, हमारा काम हम करे जाए। और रिक्वेस्ट है आप सबको, थोड़ा सा देखिए, देख के लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सबके लिए ये अच्छा है, मेरे लिए, आपके लिए, आप जिनके देख रहे हैं उनके लिए भी, मेरे लिए भी। अगर आप लोग वॉच नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वॉच टाइम आता नहीं है और व्यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए प्लीज़, सबको हेल्प कीजिए, जो भी यूट्यूब में आया है एक दूसरे का मदद कीजिए, हाथ पकड़ के चलेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत कपड़ा मेरा बहुत सारा पड़ा हुआ है, मैंने ठाकमा हमारा चल रहे थे, अच्छा थे, चल के बाथरूम वाथरूम जा रहे थे, बीच में एक दो दिन इतना बीमार पड़ गए कि उनको पकड़ पकड़ के करना पड़ रहा है। अभी संध्या जो है दे रहा है मेरा मम्मी, मैं नहीं दूंगी, कुछ कारण है, दिक्कत है, तो इसीलिए मम्मी दे दे रहे हैं। और शंख बज रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा, शंख बजाना बहुत अच्छा होता है घर में। तो हम लोग सुबह शाम जब भी पूजा करते हैं शंख बजाते हैं, हम बंगालीस में यही होता है, शंख बजा के पूजा करते हैं। और
थोड़ा कमरा भी फैला पड़ा है, अभी रेस्ट कर रहे थे। कुछ कपड़े अभी है, कुछ यार में पूरा भर के रखा हुआ है मैंने। कपड़ा मैं हाथ से नहीं धोती, मेरा वॉशिंग मशीन है उससे धो लेती हूँ। बाकी तो बहुत काम होता है घर में, और बुढ़ा इंसान जिसके घर में होता है वो तो थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है। तो अभी भी वो बुला रहे थे, हम लोग सुने नहीं। बच्चे जैसे हो जाते हैं ना, जिद पकड़ लेता है कोई भी चीज़ का, बच्चे जैसे ही हो जाता है। उम्र आता है, एक दिन हमारा भी उम्र आएगा। तो चलिए, कभी कभी मैं भी गुस्सा कर देती हूँ, ऐसे होता है। और बहुत बातें कर लेती हूँ कभी कभी, दिल का बात बोलना अच्छा लगता है आप सबसे, तो इसलिए दिल का बात शेयर करती हूँ। दिल का बात आप लोग वीडियो देखेंगे तभी तो मेरे दिल के बात समझेंगे। जो कुछ फ्रेंड है जरूर देखते हैं तो वो लोग समझते हैं मेरा बात, और मैं भी उनके पास हूँ, वो भी मेरे साथ देते हैं तो अच्छा है। तो चलिए, ज़्यादा बात बकबक ना करते हुए बाकी कपड़े वपड़े समेट लेती हूँ। और डिनर में बना हुआ जो दिन का खाना वही हम रात को खा लेंगे। बहुत सारे मैंने आज क्या बनाए थे, मसूर का दाल का पकोड़ा बना के। डेली तो दाल खा रहे हैं, उसी को भिगो के पकौड़ी करके सब्जी बना दिया मैंने आज, अच्छा लगता है। और सब्जी के जैसे भी हो गया। और करेला का भुजिया बनाया था, और बनाया था मैंने झींगे पोस्त, जिसको बोलते हैं तोरई, जो धार लाइन वाला तोरई होता है ना, हम लोग यहाँ झींगे बोलते हैं। और उसको आलू दे के पोस्त बनाया था मैंने, उसमें चिचिंगे भी दे दिया था दो था। मैंने बोला सब मिक्स करके ही पोस्त बना देती हूँ, तो पोस्त माने खसखस, उसको पीस के मिक्सी में उसको बनाया मैंने। और यही था लंच का खाना, वही बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो रात को भी वही खा लेंगे हम लोग। और ये मेरा मम्मी है दीप, देखिए खड़े हैं। बहुत तबीयत खराब हो गया था इनका यहाँ आके, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था इनका भी, तबीयत खराब हो गया था। फिर पूजा की कुछ दिन बाद, लक्ष्मी पूजा का दिन, बहुत तबीयत खराब हो गया था और मैंने लक्ष्मी पूजा कर ही नहीं पाया, अच्छा से नहीं कर पाया। जो सोचा था नारियल का लड्डू बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, वो सब कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि एक व्यक्ति का तबीयत खराब, माँ का तबीयत खराब, मगर हम लोग कुछ कर पाए, कर नहीं पाते हैं। उसकी एक दिन दो दिन के बाद ठाकुमा बीमार पड़ गए, तो वह लाइन बाई लाइन सब बीमार पड़ गया, तो दिक्कत हो गया। और मैंने वैक्सीन लगा के आया, अभी भी मेरा दो लारियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, गाँव से लेके आई हूँ। उसको मैं एक दिन लड्डू बना लूंगी, गुड़ का नारियल, नारियल का लड्डू बना के रख दो तो कुछ। मैं तो मीठा नहीं खा सकती, बाकी फैमिली मेरा खाएगा, बच्चे लोग, उन लोगों के लिए बना दूंगी। और बाल देखिए पूरा झड़ जा रहा है मेरा, देखिए कितना अच्छा बाल था मेरा, पूरा झड़ गया है, झाड़ू जैसा हो गया पूरा। पानी से हो रहा है ना किससे हो रहा है पता नहीं। तो बहुत सारे बात किया मैंने आज, बहुत सारे दिल को हल्का कर दिया। एक दोस्त चाहिए जो बात करे, आप लोग तो मेरा दोस्त है, फैमिली है, सब है, तो इसीलिए आप सबसे बात करके अच्छा लगता है। कब से सोच रही थी कि बैठ बैठ के बात करूंगी, तो टाइम ही नहीं मिलता है बताए टाइम। और अभी तो दिन इतना छोटा है कि मैंने सुबह उठा और दिन मैंने कैसे चला जाता पता नहीं चलता है। आज मैं खाना खाया हूँ पूरा 2:30 बजे, जो गर्मी में मैं 1 बजे लंच कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम में खाना पड़ता है, और खुद पकाओ टाइम चलता नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाता है। जिसको शुगर रहता है उनको बार बार खाना चाहिए और टाइम पे खाना चाहिए, तो ये चीज़ है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, ज़्यादा बात कर लिया। और वीडियो अच्छा लगे फिर बोल रही हूँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो नया दोस्त मेरे से जुड़ रहे हैं, फ्रेंड जुड़ रहे हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देख के सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कट जाता है। और मैं आपका वीडियो देख के 24 घंटा बाद जाके आपको करके आऊँगी। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, अभी कुछ काम कर लेती हूँ। तो आप लोग देखिए इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े अभी मुझे तय लगाने, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा इसको समझ के रखने, जैसे लग रहा पूरा अलमारी। देखिए कितने कपड़े।
कपड़े थे वो ताई लगा दिया शाम को, और अब वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ और कुछ आगे शेयर नहीं किया। तो टेक केयर और बाय।